ये असल में ये वाकया है 1961 का। उस वक्त मैं पैदा नहीं हुई थी, और सही। मेरा मतलब जो बड़ा बड़ा मेरा भाई है वो पैदा होने वाला था। तो मेरी जो अम्मी है वो जाहिर बात है उस वक्त कोई ऐसा नहीं था। अब्बू मेरे कस्टम में थे और उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो दिन भर बैठे या कुछ करें। अम्मी जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो मेरी फूफी, जो इनकी उम्र 18 साल थी, और लोग कहते हैं, पता नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं क्योंकि वो मेरी पैदाइश से पहले ही वो उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन कहते हैं लोग कि उनकी चेहरे पे कुछ ऐसी कशिश थी कि लोग एकदम मतलब नजरें हटाना भूल जाते थे। वो सही। इतनी मतलब हसीन थी, मतलब कोई ऐसी हसीन गोरी चिट्टी नहीं थी, कुछ था, मतलब जैसे होता है ना किसी किसी के चेहरे पे, वो था उनपे, वो अट्रैक्शन था। तो उस जमाने में वो मैट्रिक में पढ़ा करती थी। जब अम्मी हॉस्पिटल जाने लगी तो अम्मी ने उनको अपने साथ ले लिया, पप्पी को, कि तुम मेरे साथ चलना और वहां पे मेरे साथ तुम रहना। तो वो चली गई अम्मी के साथ, पप्पी मेरी, और मेरा जो ननियाल था वो सारा वो इंटरनल उसमें रहता था सिंध में, तो इसलिए वहां से कोई आ नहीं सका, अम्मी की कोई बहन या मेरी नानी, वो लोग क्योंकि वहां थी अंदरूनी सिंध। तो बस ये पप्पी गई अम्मी के साथ। तो खैर उसके बाद फिर ये कि भाई मेरा माशाल्लाह पैदा हुआ। पैदा होने के बाद अब्बू मेरे शाम में आते थे जब ऑफिस से, तो वो आ जाया करते थे अम्मी के पास, तो चले आते थे रात में। वो पुप्पी मेरी रहा करती थी अम्मी के साथ। तो अम्मी ने फिर उनसे कहा कि ऐसा करो, ये पानी गर्म करके ले आओ, किसी चीज़ में, कोई कैटल वगैरह में पानी ले आओ गर्म करके। वो किचन में गई, थोड़ी देर के बाद वो वापस आई घबराई हुई, अम्मी से कहने लगी कि भाभी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो अम्मी ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? कहने लगी असल में मैं किचन में गई तो वहाँ एक लड़का खड़ा था, वो इंतहाई हसीन लड़का था, उसकी आंखें ब्लू कलर की थी, बाल उसके गोल्डन थे, और बहुत हैंडसम लड़का था। और वो चुपचाप पहले तो मुझे एक टिक देखता रहा, मैं वहीं सिंक के पास खड़ी थी पानी भर रही थी, फिर वो मेरे करीब आया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाभी उसका हाथ ऐसा था जैसे बर्फ होते हैं, बर्फ की सील होती है, ऐसा हाथ था उसका। तो अम्मी भी घबरा गई, अम्मी परेशान हुई, अम्मी कहने लगी चलो मैं उठ के देखती हूँ। अम्मी बेचारी मेरी आहिस्ता से उठी, पुप्पी के साथ गई तो वहां कोई भी नहीं था। अच्छा, फिर ये हुआ कि शाम में फिर उनकी जो मतलब है कि वो डिस्चार्ज हो गई थी अम्मी, तो बच्चे को भाई को लेके मेरे अम्मी और वो पुप्पी ने आना था घर, करीब ही घर था, हम लोग यहाँ रहते थे, ये है ना, नहीं गांधी गार्डन चिड़िया घर जो उसके सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग है, सैफी बिल्डिंग हमारी रिहाइश में, फ्लैट में, बड़ा फ्लैट था, बड़ा अच्छा, वहाँ रहते थे, करीब था बहुत उस हॉस्पिटल से। तो खैर ये लोग, अम्मी ने कहा कि ऐसा करते हैं हम चलते हैं, तुम्हारे भाई तो पता नहीं कितने बजे आएंगे और फिर हम उनके इंतजार में बैठे रहे, इससे बेहतर हम लोग चलते हैं घर। तो पप्पो ने मेरे कहा हाँ ठीक है हम दोनों चलते हैं। अब ये दोनों बच्चे को लेके निकले, अम्मी कहती है मैंने देखा कि जैसे ही हम निकले हमारे साथ वही लड़का जो होलिया बताया था मेरी पुपी ने, वो लड़का हमारे साथ साथ निकला। कहने लगे हम हॉस्पिटल से निकले, वो भी हमारे साथ निकला, और निकल के और हम खड़े थे टैक्सी के इंतजार में, तो उसने हाथ दे के टैक्सी रोकी। अम्मी कहने लगी मेरे मुंह पे ऐसे ताला लग गया कि मैं एक लफ्ज ना बोल पाई, चुप रही बिल्कुल। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, आगे पहले पीछे का खोला, मैं और वो दोनों बैठे पुप्पी और अम्मी हमारी, और आगे का दरवाजा खोल के वो खुद भी बैठ गया उसमें। और वो जब ये लोग घर पहुंचे, घर पहुंचते के साथ ही पुप्पो मेरी बेहोश हो गई। और वो और लड़का कहाँ गया? वो गाड़ी के आगे वाली सीट पे बैठ गया। वो बैठ गया, और अम्मी कह रही है कि मेरा मुंह ऐसा बंद हो गया कि मैं एक लफ्ज भी नहीं कह सकी कि तुम कौन हो, क्यों बैठे हमारे साथ, और हाथ भी उसी ने दिया टैक्सी को रोका उसने। अम्मी दरवाजा खोला पीछे का, अम्मी भी बैठी और पुप्पी भी बैठी, और फिर उसके बाद आगे का दरवाजा खोल के वो खुद बैठ गया। और जब ये लोग घर पहुंचे, घर पहुंचते के साथ ही पुप्पी की हालत बिगड़ने लगी। और लड़का कहाँ गया? वो क्या, अम्मी कह रही बस वो सिर्फ बैठा, मैंने देखा। उसके बाद जब हम उतरे, हम घर आए तो हमने नहीं देखा, हमें पता ही नहीं चला कहाँ गया वो। और कह रही मैं भी होश में आ गई, मैं उससे पूछ रही कौन था, तुमने देखा था बैठा था? वो कहने लगी, पुप्पी मेरी कहने लगी पता नहीं, मैंने देखा था लेकिन अब पता नहीं कहाँ गया वो। लेकिन जब ये लोग ऊपर पहुंचे घर में, घर में पहुंच के जो उन्होंने चीखे मारी है पुप्पी ने मेरी, और जो उनको दौरा पड़ा शदीद तरीन, वो सब परेशान हो गए घर वाले। फिर मेरे अब्बा भी आ गए ऑफिस से, उन्होंने भी देखा, वो सख्त परेशान थे। अम्मी कहने लगी समझ नहीं आता था क्या हुआ इसको। खैर फिर वो एक हमारे वो थे मौलाना थे, उनको हाजी साहब कहते थे, वो उनको बुला के लाए, उनसे बोला कि भाई ये क्या मसला है देखें आप। उन्होंने देखा तो वो कहने लगे भाई ये तो कोई बहुत जबरदस्त जिन है जिसपे है, मैं बात करता हूँ उससे। तो जब उन्होंने उससे बात की, कुछ पढ़ के अमल पढ़ के ना उन्होंने बात की कि भाई तुम कौन हो, क्या चाहते हो, क्यों आए हो उस लड़की के ऊपर। तो उसने कहा कि मुझे इसकी शक्ल बहुत पसंद आई, इसकी आंखें मुझे बहुत पसंद आई हैं, और उनके बाल बहुत लंबे थे। हाँ ये बताना भूल गई मैं, बाल बहुत खूबसूरत और लंबे बाल थे उनके। तो कहने लगा कि मुझे ये बाल भी चाहिए, आंखें भी चाहिए।
यही लेके जाऊंगा मैं तो। अब तो सब बहुत परेशान हुए कि भाई चलो, हम मेरी दादी बेचारी अल्लाह बख्शे कहने लगी कि भाई चलो हम बाल दे देते हैं, हम इसका सारी पूरा खर्च बाल तो चले करते जाएं, चलो बाल तो वापस आ जाएंगे, आंखों का क्या करना। हैं। वो ये तो कहती थी, अम्मी सुनाती थी मेरी वाकया कि हमने कहा कि आंखें कैसे देंगे तुम्हें। फिर इतना परेशान, सारे लोग जमा हो गए। अम्मी कहने लगी मैं 2 दिन की जच्चा थी, बच्चा था मेरा, और मुझे तो किसी ने देखा ही नहीं, और वो देखते भी क्या, वो उसी में लग गए सब कि क्या हो गया बच्ची को, क्या हो गया। अम्मी कह लगी ना मैंने कुछ खाया ना पिया। कहने लगी थोड़ी देर में मेरी वालदा मेरी नानी आई, वो कहने लगी भाई इसको तो मैं ले जाती हूँ, आप लोग तो वैसे इतने परेशान है। तो अम्मी को फिर वो अपने साथ ले गई। अम्मी कह लगी मैं चली गई उसी दिन रात में, जिस दिन मैं डिस्चार्ज होकर आई उस दिन रात में मैं अपनी वालदा के साथ वहां चली गई। और कहने लगी ये लोग, जिनके घर में सख्त परेशानी थी, कहने लगी बस समझ लो जाके वहां मैं ऐसी बेखबर सोई, मुझे सुकून की नींद आई। तो देखा सुबह 4 बजे मेरे वालिद आए, कहने लगे चलो घर। वो तो मेरी बहन का इंतकाल हो गया, कहने लगे वो उनकी डेथ हो गई, कुप्पी की मेरी, उसी रात वो उसी रात डेथ हो गई जैसी घर आई है डेथ हो उनकी गई। उम्र और उम्र क्या थी? उनकी उम्र 17 साल थी और मैट्रिक के पेपर दिए थे उन्होंने, मैट्रिक में पढ़ती थी, और रिजल्ट भी उनके इंतकाल के बाद आया उनका। और मैं कभी भूल नहीं सकती, मैंने उनको देखा नहीं लेकिन मैं भूल नहीं सकती कभी इस वाकये को भी, क्योंकि ऐसा वाकया अम्मी सुनाती है। अम्मी कहती है जब वो लोग आना शुरू हुए घर में तो औरतें कहने लगी भाई ये तो बड़े मनहूस लोग हैं, देखो इनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो इनके घर की लड़की खत्म हो गई। क्या अम्मी कह ली मैं भी बहुत परेशान कि भाई मेरे, और अम्मी कहती है मैंने ये वाकया किसी को सुनाया नहीं कभी कि हॉस्पिटल में हमारे साथ क्या हुआ था, वरना सब ये कहते हैं कि इसकी वजह से हुआ है। तो अम्मी कहती है मैंने कभी अपने मुंह से नहीं निकाला वो। तो हम जब थोड़े बड़े बड़े हो गए समझदार, तो फिर अम्मी ने हमें बताया, हम कहते थे ये पुप्पी थी हमारी कैसे इंतकाल हो गया, तस्वीर थी उनकी। तो फिर अम्मी ने बताया कि मगर मैंने ये बात कही नहीं किसी से, कहती तो सब मेरे ऊपर इल्जाम लगाते तुमने क्यों नहीं बताया और तुम्हारा तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन ये मैं भूल नहीं सकती कभी ये वाकया। अच्छा, मुझे एक दफ़ा समझाइएगा कि आपकी वालदा जो थी वो प्रेग्नेंट थी, और आपकी और कौन पैदा हुआ था? आप पैदा हुई थी? नहीं मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा, वो पैदा हुआ था, वो पैदा हुआ था, मैं और तो बाद में हुई। तो ये आपकी आपके हस्बैंड की बहन की बात हो रही है, राइट? नहीं ये मेरी पुप्पी की बात हो रही, सगी मेरे अब्बू की आपकी बहन, फुप्पो, आपकी, अच्छा, आपकी फुप्पो की बात हो रही है। मेरी पुप्पी और मेरी अम्मी की नंद, ये समझ लो नंद भावज, अम्मी और मेरी पुप्पी सही दोनों। है, सही है। तो तो आपकी वालदा के ऊपर ये इल्जाम आ गया कि इन्होंने, नाउज़ अल्लाह माफ करे, ऐसा बच्चा पैदा किया कि उसकी वजह से डर फुप्पो की वो की डेथ चली गई हो गई। बस। हाँ खैर, ये तो हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी का नॉर्म है ना कि कोई बैड चीज किसी के साथ जोड़ देते हैं। ये मुझे बताइए कि उस रात को हुआ क्या था पप्पो के साथ, अगर आपको मालूम है कि क्या, किस तरीके से वो रिएक्शन दे रही थी, क्या कर रही थी? वो कहती थी मुझे, वो चीखती थी बड़े बड़े बड़ी जोर से। हाँ ये बात है कि बाबा बताते थे, मेरे वालिद कहते थे वो, मैं भूल नहीं सकता अपनी बहन की तकलीफ, कि वो बहुत जोर जोर जैसे फिट्स नहीं पड़ते किसी को, चीखती थी और कहती थी चले जाओ मुझे छोड़ दो, चले जाओ मुझे छोड़ दो। तो बाबा कहने लगे फिर हम उनको बुला के लाए हाजी साहब को, फिर उन्होंने बात की उससे, तो उसने बाकायदा जवाब दिए, उसने कहा कि मुझे इसके बाल चाहिए और मुझे इसकी आंखें चाहिए। तो मेरी दादी ने कहा कि हम बाल तो दे सकते हैं, आंखें कोई दे सकता है क्या किसी की, आंखें कैसे दे दें हम। बस ये बहुत परेशान, बस समझ लें वो एक रात का था सारा वाकया, उसी रात वो तबीयत उनकी खराब हुई, सुबह फजर के वक्त उनकी डेथ हो गई।